नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। आप सभी का मातृभूमि न्यूज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। केवल पत्रकारों की सुरक्षा बात करते हैं, मैं प्रदेश में जो 7,200 लोग इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके जिन राजस्थान में 2,00,000 से ज़्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए, उन जो राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, इस राजस्थान में विभिन्न तरह के माफिया के चलते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को उनके रोकने के चलते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, उन सब के परिजनों के सबको सामने रख करके शपथ उठा करके कहते हैं कि राजस्थान में केवल पत्रकार नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान की सरकार काम करेगी। चलो यार, अब इतना बहुत हो गया, अगली बार करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया भाजपा मीडिया सेंटर का शुभारंभ। 200 लोग कांग्रेस की योजनाओं एवं घोषणाओं को बताया था, कोई लेना देना नहीं, भाजपा जीती तो नहीं मिलेगा पत्रकार सुरक्षा कानून, जो राजस्थान में गैंगवार के चलते राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते भारतीय जनता पार्टी का जोधपुर में संभाग स्तरीय मीडिया सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फीता काट कर किया। उनके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया को संबोधित कर राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए गहलोत सरकार पर हमला बोला। इस राजस्थान में विभिन्न तरह के गारंटी कार्ड को छलावा बताया। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन सब के परिजनों के राजस्थान में पत्रकारों पर हो रहे हमलों पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की गारंटी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री निरुत्तर नजर आए। यानी राजस्थान में यदि भाजपा की सरकार आती है तो पत्रकारों की सुरक्षा कानून बन ना भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं होगी, वही पूरे प्रदेश की आम जनता को सुरक्षा देना जरूरी बताया। कहा, इस मौजूदा राजस्थान सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। न्यूज चैनल के साथ वायरल वीडियो के एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफें करना और उनके साथ चाय पीने की मंशा जाहिर के सवाल पर शेखावत ने कहा कि उनकी सरकार की राजस्थान से अब विदाई होगी और वो फ्री रहेंगे, तब चाय पिएंगे। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।